अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। किस तरह की खामियां मिली हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, गौशाला और अभी मैं मंडी परिसर क्षेत्र में खड़ा हूँ, दोनों का निरीक्षण किया गया और गौशाला में मैंने काफ़ी सुझाव दिए हैं, काफ़ी सुधार का स्कोप है वहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे एक ड्रेनेज प्लान एक मिसिंग है, उसकी आवश्यकता है। साफ़ सफाई की व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए। वहाँ पर जो पशुओं के लिए खाद्य सामग्री की उपलब्धता है, उसमें भी जो बैकअप स्टॉक है उसको भी कम से कम न्यूनतम एक माह होना चाहिए। हर पशुओं का जो हेल्थ कार्ड है वो रजिस्टर में बनाया गया, प्रॉपर एक कार्ड के स्वरूप में नहीं बनाया गया, हर पशु का एक कार्ड बनना चाहिए। चौथी चीज़, वहाँ पे हाई मास्क लगाना, वहाँ पे गोबर जो इकट्ठा हो रहा है उसके उसे खाद बनाना या बायोगैस की व्यवस्था करना, ये सारे सुझाव हम लोग ने दिए हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं शिथिलता जो है नगर पंचायत परिषद के स्तर पे है, और इन चीज़ों को अगर बारीकी से देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे पशुओं का जो स्वास्थ्य भी जो है बेहतर होगा, खान पीन से, साफ़ सफाई व्यवस्था से, मंडी में।